हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोई रेसिपी नहीं आपसे शेयर कर रही, बस मुझे दो तीन दफ़ा बच्चियों के मैसेज आए हैं कि ये दाल के जो तड़के होते हैं इनके बारे में बताएं, कौन सी दाल को कौन सा तड़का लगाया जाए जिससे दाल का जायका दुबाला हो जाए। तो मैं आपसे ये शेयर करती हूँ। देखें, ये हम लोग ये मसूर की दाल है, अगर ये खाली बनाए ना थोड़ा सा ये गर्म होती है दाल। इसमें हम मूंग की ये छिलकों वाली दाल, ये देखें ये ग्रीन कलर की दाल, ये आप छिलकों वाली भी ले सकते हैं और छिलकों के बगैर भी आप ये दाल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों दालें मिल के मिक्स करके बनाते हैं ताकि ये दाल जो मूंग की दाल है ये थोड़ा इसका जो तासीर है ये ठंडी है, दोनों मिल के इनका अच्छा कम्बिनेशन बन जाता है। तो इसको जो तड़का लगता है वो होता है ये लहसुन का। इस तरह आपने ये काट लेना है, इसकी कटिंग कर लेनी है और इसमें साथ आपने जीरा और कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते के बहुत ही फायदे हैं, अगर आप लोगों को पता चल जाए इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं हार्ट के लिए, शुगर के लिए, नज़ला ज़ुकाम, तो आप इसका पौधा हमेशा अपने घर में लगा के रखें। तो जब ये मूंग और मसूर की आपने दाल बनानी है तो आपने ये लहसुन का और जीरे और कड़ी पत्ते का तड़का लगाना है, ठीक है। दो तीन लहसुन के ये आपने ले जों लेके इन्हें काट लेना है, आधा टीस्पून आप जीरा ले लें। ये तो आपने होता ना कि आपने कितनी दाल बनानी है, ये मैं जो 250 ग्राम दाल का बता रही हूँ, दो का आपने जोंग ये लेने हैं, थोड़ा सा आधा टीस्पून आपने जीरा लेना है और कुछ पत्ते आपने ये कड़ी पत्ते लेने हैं, तो आपने और एक आधा आपने लाल साबुत मिर्च होती है ना वो भी आप इसमें डाल के इसके तड़का लगा सकती हैं। ये तड़कों से दाल बहुत ही मजे की बनती है। ये तो हो गए मूंग और मसूर की दाल। अच्छा, अब ये खाली मसर है, देख रहे हैं आप साबुत मसर, इनको आपने जीरे का और कड़ी पत्ते का तड़का लगाना है। ये दो चीजें इसके तड़के में जाएंगी, इस दाल को ये जीरे का तड़के से इस दाल का जायका बहुत ही मजे का बनता है। और इसके साथ चावल भी आप जीरे के तड़के वाले बनाएं तो ये बहुत ही मजे की डिश तैयार होती है। अच्छा जी, ये अब रह गई चने की दाल और माश की दाल। ये दो दालें भी मिक्स करके भी आप बना सकते हैं और इन्हें अलहदा भी, ये माश की दाल आप बिल्कुल अकेले भी इसे बना सकते हैं। इन दोनों के लिए जो तड़के लगते हैं वो होता है अदरक का और प्याज का। ये देखें, ये अदरक है, प्याज है, जीरा और कड़ी पत्ता, इन चार चीजें डाल के आप इसे तड़का लगाएं। चाहे माश की दाल खाली हो या दोनों दालें मिक्स हो, फिर भी दाल बहुत ही मजे की बनती है, बहुत ही अच्छी। तो ये अब ये मूंग साबुत, ये देखें, इसे वैसे खाली ही बनाते हैं, इसके साथ कोई दाल मिक्स करके नहीं बनाई जाती। और इससे आपने जीरे और कड़ी पत्ते का तड़का लगाना है, ये इससे इसका जायका बहुत ही अच्छा बनता है। डालें तो आपने इसमें कुछ भी ना डालें, सिर्फ आप इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और गरम मसाला पिसा डाल के बनाएं। अल्लाह ताला ने इनमें बहुत ही जायका रखा है। तो तड़के लगाने के बाद डालें बहुत ही मजे की बनती है। चलें व्यूअर्स, आप लोग भी ये आप याद रखिएगा और इसी तरह अपने तड़के लगाने हैं तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगी दालें आपकी बहुत ही मज़े की बनेंगी। चलें जी, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।